आज एक हिंदी कविता तुम्हाला ऐकवते आहे. मला नक्की सांगा तुम्हाला कशी वाटते. ॲक्च्युली मानव कौल हे जे सुप्रसिद्ध अभिनेते आहेत त्यांचा व्हिडिओ मी पाहिला, मला ती कविता खूप आवडली, त्यामुळे मला असं वाटलं की ती तुम्हाला सगळ्यांना पण ऐकवावी. या कवितेचं नाव आहे तुमसे अलग होकर आणि ही लिहिली आहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जे हिंदीतले खूप मोठे कवी आहेत त्यांनी. कविता ऐकवते. तुमसे अलग होकर लगता है, तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूं. अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, न अर्थमय न अर्थहीन. गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं. तुमसे अलग होकर, तुमसे अलग होकर हर चीज में कुछ खोजने का बोध, हर चीज में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही. सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है. तुमसे अलग होकर, तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है. नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उल्टा गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते. मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूं. तुमसे अलग होकर लगता है, तुमसे अलग होकर लगता है सिवा आकारों के कहीं कुछ नहीं है. हर चीज टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है. तुमसे अलग होकर लगता है, तुमसे अलग होकर लगता है मैं इतनी तेजी से घूम रहा हूं कि हर चीज का आकार और रंग हो गया है. हर चीज के लिए मैं भी अपना आकार और रंग हो चुका हूं. धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूं, निरंतर हूं और रहूंगा. प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है, प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है.